मैन एंड वुमेन हेल्थ फिटनेस एंड ब्यूटी से रिलेटेड रियल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। तो गाइस, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि नट्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में कितना प्रोटीन होता है, उसके बारे में मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। गाइस, यदि फिर भी आपका कोई क्वेश्चन उसमें से बचता है तो आप मुझे कमेंट करना ना भूलें। गाइस, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दे दूंगा। और गाइस, आज की इस टॉपिक में मैं आपको देने वाला हूँ एक डाइट प्लान, जिसको यूज करके गाइस आप एक महीने में अपनी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा इंक्रीमेंट देख सकते हो। तो कैसे गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, पहले मैं आपको एक बता दूं, दिस इज अ वार्निंग फॉर यू, आप मेरी इस डाइट प्लान को यूज़ करते हो गाइस तो आपको किसी भी अनदर सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नो बकवास, चलिए। आप जैसे ही मॉर्निंग में जागो तो गाइस आपको 6 से 7 बजे के बीच में गाइस एक मुट्ठी गरी हुई चना और प्लस एक मुट्ठी करा हुआ सोयाबीन खाना है। गाइस, इसके लिए आपको रात को सोने से पहले एक मुट्ठी चना और एक मुट्ठी सोयाबीन पानी में गरा देना है और सुबह गाइस आपको उसको चबा चबा के खा लेना है। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं इससे आपको मिलेगा क्या। गाइस, इससे आपको मिल जाएगा 5 से 6 ग्राम प्रोटीन। अब गाइस बात कर लेते हैं ब्रेकफास्ट की। आपको ब्रेकफास्ट करना है 8 से 9 बजे के बीच में। तो गाइस, आपको ब्रेकफास्ट में लेने हैं 4 बॉइल्ड एग। यदि आप एग नहीं खाते हो तो गाइस डोंट वेरी, आप ले सकते हो 125 ग्राम पनीर। गाइस, इससे मिलने वाला है आपको 25 ग्राम प्रोटीन। तो गाइस बात कर लेते हैं दूसरी चीज की। अब आपको दूसरे नंबर पर लेना है, तो आप ब्रेड ले सकते हो प्लस उस पर 2 चम्मच पीनट बटर लगा लिए गाइस, और प्लस में आपको 250 ml यानी कि 1 गिलास दूध लेना है। तो गाइस बात कर लेते हैं अब आपको इससे क्या मिलेगा। गाइस, 2 ब्रेड से मिल जाएगा आपको 5 ग्राम प्रोटीन और 2 स्पून पीनट बटर से मिल जाएगा आपको 8 ग्राम प्रोटीन एंड 250 ml दूध से, जैसा कि आपको मैंने पहली वीडियो में बता दिया था, यानी कि 10 ग्राम प्रोटीन। तो गाइस, आपको जो ब्रेकफास्ट करोगे उससे टोटल मिल जाएगा 48 ग्राम प्रोटीन। तो गाइस, अब बात कर देते हैं मिड मील की। आपको मिड मील में क्या लेना है और आपको मिड मील कब लेनी है। तो गाइस, आपको मिड मील लेनी है 11 से 12 बजे के बीच में। तो गाइस, आपको फर्स्ट मिड मील में लेना है 1 बाउल ओट्स यानी कि दलिया, और उसमें प्लस का लेना है गाइस 200 ml दूध। तो गाइस, इन दोनों चीज़ों से आपको मिल जाता है 8 ग्राम, तो मिल जाएगा आपको ओट्स से प्रोटीन एंड 200 ml दूध से मिल जाएगा आपको 8 ग्राम प्रोटीन। तो गाइस, दूसरे नंबर पर आपको लेना है एक ऑरेंज या फिर एक एप्पल, तो इससे मिल जाएगा गाइस आपको 1 ग्राम प्रोटीन, यानी कि टोटल मिड मील से आपको मिलता है प्रोटीन 16 ग्राम। तो गाइस, अब बात आ जाती है लंच की। तो लंच आपको करना है गाइस 1 से 2 बजे के बीच में। इसमें गाइस आपको लेनी है 2 से 3 चपाती खाइए आप, प्लस 1 बाउल ब्राउन राइस लीजिए गाइस, प्लस आपको 2 बाउल सोयाबीन की लेनी है, प्लस 1 बाउल कर्ड यानी कि दही लीजिए, और प्लस 1 प्लेट आप सलाद जरूर ऐड कीजिए गाइस। सलाद आपको जरूर ऐड करना है गाइस, कुछ भी हो जाए। तो गाइस, इससे आपको मिल जाता है टोटल कितना मिल जाता है, मैं आपको प्रोटीन बता देता हूँ। आपको मिल जाएगा इससे लंच से टोटल प्रोटीन 28 से 30 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाएगा। तो गाइस, अब दोबारा आ जाती है आपकी मिड मील, जो कि लेनी है आपको 5 से 6 बजे के बीच में। तो गाइस, इसमें आपको क्या लेना है, आप 100 ग्राम नट्स ले सकते हो, प्लस आपको लेना है 100 ग्राम पीनट्स, या फिर आप एग भी ले सकते हो, 3 बॉइल्ड एग ले लीजिए। तो गाइस, इससे मिल जाता है आपको, नट से मिलता है, तो 100 ग्राम नट से आपको 15 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, 100 ग्राम पीनट से आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिलता है, और यदि आप अंडा ले रहे हो तो आपको 3 अंडे से 18 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं हम डिनर की। तो गाइस, आपको अब जो डिनर है वो करना है गाइस 8 से 9 बजे के बीच में। ओके गाइस, आपको डिनर जो है वो करना है 8 बजे से 9 बजे के बीच में। तो आपको डिनर में लेनी है 2 से 3 आप रोटी खाइए गुरु, उसके बाद आप सलाद लेना इसमें भी ना भूलें। नंबर 2 पर आपको 1 बाउल दाल लेनी है, और प्लस 2 बाउल आप ले लीजिए वेजिटेबल, या तो दाल ले लीजिए या गाइस आप वेजिटेबल ले लीजिए कोई भी, लेकिन आपको 2 कटोरी लेनी है। प्लस यदि आप खाते हो, यदि आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप 3 अंडा दबा के खाइए। उसके बाद आपको 100 ग्राम फिश लेनी है और 100 ग्राम चिकन। ये मैंने तीनों चीज उनके लिए बताई है जो नॉन वेजिटेरियन है। तो गाइस, यहाँ से डिनर से आपको मिल जाएगा
टोटल जो मिलने वाला है वो है 15 से 30 ग्राम गाइस प्रोटीन आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो गाइस अब मैं बात करता हूँ नाइट की, यानी कि रात को सोने से पहले का। सोने से पहले आपको सिर्फ लेना है 250 ml दूध, जिससे आपको मिल जाएगा 10 ग्राम प्रोटीन। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब कैलकुलेट कर लेते हैं कि आपने सुबह से रात तक कितना प्रोटीन आपकी बॉडी ने कंज्यूम कर लिया। तो मॉर्निंग में मिला था आपको 5 से 6 ग्राम प्रोटीन, ब्रेकफास्ट में लिया था आपने 48 ग्राम प्रोटीन, मिड मील में लिया था आपने 16 ग्राम प्रोटीन, लंच में लिया था आपने 30 ग्राम प्रोटीन, सेकंड मील में लिया था आपने 24 ग्राम प्रोटीन, डिनर में लिया था आपने 15 से 30 ग्राम प्रोटीन, नाइट में लिया था आपने 10 ग्राम प्रोटीन। तो टोटल यदि प्रोटीन की बात करते हैं कि आपने सुबह से लेकर रात तक कितना प्रोटीन ले लिया, तो गाइस आपने प्रोटीन ले लिया है 132 ग्राम से 147 ग्राम तक प्रोटीन। तो गाइस जो मैंने डाइट प्लान दिया है, ये डाइट प्लान उन लोगों पर लागू हो जाएगा जिनका वेट अंडर 70 है। अंडर 70 जिनका वेट है वो इस डाइट प्लान को अरेंज कर लें। आपको पता है यदि आपका वेट 60 किलो है तो आपको जरूरत पड़ने वाली है 120 ग्राम प्रोटीन की पर डे पर। तो उसी के हिसाब से आप अपना प्रोटीन ले लें गाइस, ठीक है गाइस। अपने वेट से कम प्रोटीन ना लें, ज़्यादा चल जाएगा लेकिन ज़्यादा भी ना लें गाइस। आपका यदि 120 ग्राम प्रोटीन है तो गाइस आप 130 कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा नहीं करें गाइस, क्योंकि प्रोटीन ज़्यादा लेने से भी बॉडी में दिक्कत बन जाती है। तो गाइस आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। यदि गाइस आप इस डाइट प्लान को फॉलो नहीं कर पाते हो, आप बहुत ही बिजी रहते हो, तो गाइस आप मुझे कमेंट कर सकते हो, उसका भी मैं सॉल्यूशन लेके जरूर लौटूंगा और आपके साथ एक नई वीडियो दोबारा शेयर करेंगे। तो गाइस आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी। तो गाइस इन वीडियोस को दबा के शेयर कीजिए, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग की सारी ट्रिप एंड ट्रिक्स आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है गाइस। बहुत ही मेहनत से गाइस मैं कंटेंट ढूंढता हूँ, तो गाइस एक लाइक तो बनता है, करके जाना गाइस एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आप पहली बार चैनल पर आए। और गाइस शेयर करना तो भूलिए मत, क्योंकि आपके जो भाई बहन बंधु हैं उनको भी जानकारी होनी चाहिए इन चीज़ों के बारे में, ताकि वह जिम जाते हैं तो जिम के जो लोग होते हैं वो आजकल बहुत ही गाइस कट काट देते हैं, हम बहुत ही जोर से काटते हैं गाइस, सप्लीमेंट चपेक देते हैं, कुछ नहीं होता। सप्लीमेंट के ऊपर भी मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ गाइस, तो जाना कीजिए। चलिए गाइस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।